नमस्ते एव्हरीवन, दिस इज सावनी गोपटे. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक मिहिरजी फॉर वन्स अगेन गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रेझेंट अ युनिक सेट ऑफ रागास. फॉर टुडेज कॉन्सर्ट आय हॅव चोजन द कॉम्बिनेशन ऑफ राग कौशिकानडा अँड राग संपूर्ण मालकंस. जैसे आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इन दोनों रागों में जो स्वर लगते हैं वो सेम है, इसीलिए इन्हें समस्वर राग भी कहा जाता है. कौशिकानडा के गाने के बहुत प्रकार प्रचलित है. पहला प्रकार है बागेश्री अंग का कौशिकानडा, जो आजकल बहुत सुनने में नहीं मिलता. पंडित केजी गिंडे साहब जी की रिकॉर्डिंग में उन्होंने इसका उल्लेख किया है, जिसमें शुद्ध धैवत भी लगता है, इस वजह से उसमें बागेश्री की झलक दिखती है. उसके बाद मालकंस अंग का कौशिकानडा गाते हैं, जिसमें गमनीप ये कानडे की जो फ्रेज नाइकी कानडे की फ्रेज वो दिखती नहीं है, सिर्फ गम रेसा ग सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग म प ग म रे सा. इस तरह से मालकंस अंग का कौशिकानडा, और नाम में ही है कि मालकंस का, उसमें थोड़ा सा डोमिनेशन ज़्यादा होता है. उसके बाद आगरा घराने में जो कौशिकानडा गाया जाता है, उसमें नाइकी कानडा और मालकंस इसका समान रूप से कॉम्बिनेशन बनाया गया है. आगरा घराने के लोग बहुत खूबी से दोनों रागों को साइमल्टेनियसली इसमें बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि वो सुनने में एक ही राग हमें लगता है. तो इसमें नि सा रे म प नि ग ग म नि ध म ग म नि प, इस तरह से नाइकी कानडा, या फिर प नि प सा नि ध म नि प, इस तरह से नाइकी कानडा दिखाया जाता है. तो मेरी गुरुजी विदुषी शुभदाताई पराड़कर जी से मैंने आगरा घराने की स्टाइल का ही कौशिकानडा सीखा है, और वो हमेशा हमें जब तालीम देती है किसी भी राग की, तो हमें और अलग अलग तरीके से जो भी राग ये गाया जाता है उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, इस बात पर उनका बहुत फोकस रहता है. तो इसीलिए आज एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक मैंने इन दो रागों को एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश करने जा रही हूँ. तो राग कौशिकानडा प्रस्तुत कर रही हूँ पहले, उसमें पारंपरिक बंदिश है बड़ा ख्याल की, नैया मोरी पार करो, और विलंबित तीन ताल, और उसके बाद विलायत हुसैन खां साहब की बंदिश है कासे कहूँ मोरी आली. आज मेरे साथ तबले पर संगत के लिए है श्री तनय रेगे, और हारमोनियम की संगत के लिए है श्री अमेय बिचू. राग कौशिकानडा प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ. Ooh.
पडी मज धार नया नया नया
Thank you.
लाख जतन कर लाख जतन कर लाख जतन कर लाख जतन कर हारी मारी गए लाख जतन gamani dani dani dana ma gamani pa pa sani sa sa re sa ni sam sam ga ma ga sa ga sa ni da ni da sa ni ga ga sa ni sa da ni pa ni pa ni ma ba ma ba ga ma re sa ga ma da ni sa ka se ka ho ga ma da ni sa da ni sa re ga ga ma re sa ni sa ga ga sa ni sa ni ga ga sa ni ga ga sa sam ga ma ga ga sa ga ga sa ni da ni da sa ni sa da ni ma da da ni 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 ma da 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 ma ni 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 da ni 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 pa ni ni ma ba 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 ga ma sa ni sa da ni da da ma ga ma ni pa ma ba ga ma re sa ni sa ka se mere baba baga mare sagama dani sa kaise mere bani ni baba baga mama ni ni dani ni da sa sa ni da dani ni bani ni baba baga mama sa re re samaga gadama mare da da sa ni ga sa ni sa dani sa re sare ga ga mare sa ni sa dani sa kaise ho aale kaise kaise ga इसके बाद राग संपूर्ण मालकंस पेश करने जा रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने बताया है, दोनों रागों में स्वर समान है, समस्वर राग है, लेकिन संपूर्ण मालकंस के लगाव थोड़े से अलग है। सभी स्वर सेम है, लेकिन सा रे ग म इस तरह से खड़े खड़े स्वर इसमें लगते हैं। ग का आंदोलन
धैवत का आंदोलन जैसे नाइकी कनाडा के अंग से कौशी कनाडा में होता है, वैसा संपूर्ण मालकों में दिखाई नहीं देता। सारे ग म प म ग म द नि सा नि ध म ग म प म ग रे ग म ग म ग सा। और इसी वजह से इस राग की प्रकृति भी थोड़ी सी चंचल है, और नाम में ही है कि मालकंस इसमें मेनली दिखना चाहिए ज़्यादा। जैसे कौशी कनाडा में पहले जो मैंने बताया भी और गाया, आगरा घराने में जैसे नाइकी कनाडा और मालकंस का कॉम्बिनेशन है, वैसा संपूर्ण मालकंस के नाम में ही है कि ऋषभ और पंचम लेकर इस राग को, मालकंस में ऋषभ और पंचम लेकर इस राग को बनाया गया है। तो इस तरह से इस राग का चलन है। इसमें दो बंदिशें प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली बरज रही विलंबित तीन ताल, और उसके बाद कित ढूंढ न जाऊँ द्रुत तीन ताल। बर जय रही
Ah
आज्ञा
शिकारो पर जर बर जर रही।
जा